गुड मॉर्निंग। और जैसे कि वैलेंटाइन डे वीक स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी 18 प्लस लड़के हैं लड़कियां हैं वो ध्यान रखें, कहीं आप तो अनचाही प्रेगनेंसी के शिकार नहीं हैं, क्योंकि अनसेफ सेक्स यानी कि असुरक्षित यौन संबंध भी कहीं ना कहीं आपको आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। तो इसके अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके नुकसान है। तो ये न्यूज के अंदर क्यों है, क्योंकि एक मामला ऐसा आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका आई है जिसके अंदर अनमेरिड एक लड़की है, उसका 29 माह का गर्भ है और इस वजह से वो गर्भपात कराना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि अबॉर्शन के बाद भी, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, तो अबॉर्शन के बाद भी जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। तो कारा यानी कि सेंटर जो अडोप्शन एजेंसी है कारा, ठीक है, उसको वो सौंप दिया जाएगा बच्चा डिलीवरी सेफ डिलीवरी होने के बाद। तो ये काफी महिला है जो भारत के अंदर जितनी भी महिला हैं लड़कियां हैं, ठीक है, वो काफी इसकी शिकार होती हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब न्यूज देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 21 साल की लड़की के अबॉर्शन का मामला पहुंचा, लड़की की शादी नहीं हुई है, वह कॉलेज में पढ़ रही है और अनसेफ सेक्स की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में यह मामला देखने को कहा है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है चूंकि 29 हफ्ते का गर्भ है, अबॉर्शन के बाद भी बच्चा जीवित रहेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत एम्स को सेफ डिलीवरी करने को कहा। साथ ही बच्चे को जन्म के बाद कारा को सौंपने की इजाजत दी ताकि कोई कपल उसे गोद ले सके। वैलेंटाइन डे पर अनसेफ सेक्स के मामले हर साल बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन फंड, ठीक है, पोल्यूशन एजेंसी, ठीक है, फंड पोल्यूशन एजेंसी पॉपुलेशन एजेंसी की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 12 करोड़ 10 लाख औरतें बिना प्लान के प्रेग्नेंट होती हैं। इनमें से 30% का अंत क्या होता है, अबॉर्शन। हमारी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोमिका कपूर और फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा के कुछ सवाल उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अनसेफ सेक्स क्या है, तो अनसेफ सेक्स होता क्या है, जब एक पुरुष और महिला बिना किसी प्रिकॉशन यानी कि बिना किसी प्रोटेक्शन के, ठीक है, के रिलेशन बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो इसे अनसेफ सेक्स कहा जाता है। इस समय किस तरह का प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो यौन संबंध बनाते समय किस तरह का प्रिकॉशन ले सकते हैं, महिलाओं के लिए कोपर्टी आती है, ठीक है, तो वहीं पुरुष कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आएगी, ठीक है, और आप इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए आप सारे उपाय करेंगे, क्योंकि जो बढ़ते जो मॉडर्न मॉडर्न जमाना है, तो जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, ठीक है, और इसी मॉडर्नाइजेशन के कारण वो किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं करते हैं, तो उसी का परिणाम है कि ऐसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अब सेफ सेक्स की जानकारी न होने से इन 5 चीजों का रिस्क होता है कि असुरक्षित यौन संबंध अगर आप किसी से बनाते हैं तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनका रिस्क रहता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि एचआईवी यानी कि एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एसटीआई यानी कि यौन संबंध संबंधित जितनी भी जो बीमारियां होती हैं वो भी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी यानी कि आप बिना किसी प्लान के योजना के आप गर्भवती हो सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जो गोनेरिया जैसी बीमारियां होती हैं वो भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये एक अनुवांशिक बीमारी है, ये भी आप ट्रांसफर हो सकती है, तो ये इन 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 सारी चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप सही सही प्रिकॉशन काम में ले सक ले ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 18 प्लस हैं, ठीक है, तो वैसे तो मैं लिखता हूँ कि नो इट्स नॉट फॉर नॉट फॉर 18 सॉरी ये यस इट्स फॉर 18 प्लस, ठीक है, वैसे तो मैं उसमें अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 18 प्लस होके ही इसको देख रहे होंगे। आई होप आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई ये वीडियो, ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, ठीक है, इससे कुछ आपको फायदा हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और साइंस की बातें जानने के लिए। भारत में हर रोज अबॉर्शन की वजह से करीब 8 महिलाओं की मौत हो जाती है, काफी अधिक आंकड़ा है ये, रोज डेली डेली 8 महिलाओं की मौत हो जाती है, ठीक है, अबॉर्शन की वजह से। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के डेटा के अनुसार 67% महिलाओं की जान अनसेफ असुरक्षित गर्भपात की वजह से हो जाती है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। सवाल, किन परिस्थिति में अबॉर्शन करवाना देश में कानूनी है, तो यह जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, और जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए लड़कों और लड़कियों को वो भी, उसके लिए भी जानना ये बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डी बी गोस्वामी के मुताबिक भारत में कानूनी तौर पर नीचे लिखी परिस्थितियों में अबॉर्शन करवाया जा सकता है, गर्भपात करवाया जा सकता है, अगर गर्भ की वजह से महिला की जान खतरे में हो, प्रेगनेंसी की वजह से महिला की जान खतरे में हो तो गर्भपात करवाया जा सकता है।
आशंका हो कि बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है तब भी गर्भपात करवाया जा सकता है। ये कानूनी मान्यता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। महिला मानसिक या शारीरिक सक्षम न हो तब भी गर्भपात किया जा सकता है। महिला रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई हो तब भी गर्भपात किया जा सकता है। माइनर नाबालिग अगर प्रेग्नेंट हो जाए तब भी गर्भपात किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये देख लेते हैं कि कोंडम का पैकेट खोलने से पहले समझ ले ये 9 जरूरी बातें। ठीक है, जैसे हम खाना खाने से पहले हाथ हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, वैसे ही है ये। ठीक है, क्योंकि वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो ऐसे ही फैलती है संक्रमित हाथों से। ठीक है, तो ये 9 बातें आप जरूर जान लें। वैसे तो फॉलो कौन ही करता है जब कोंडम ही यूज नहीं करते हैं, तो ये बातें तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, भारत के अंदर 10 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति कोंडम यूज करता है। तो ये कंडोम का पैकेट खोलने से पहले ये 9 बातें कौन फॉलो करता है ये तो आप सोचने की बात है। कंडोम का पैकेट खोलने से पहले पहले हाथ जरूर धो लें। ठीक है, तब यह तभी काम करेगा जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये तो आपको पता है। रिजर्वायर वाला यानी कि जिस कंडोम में निप्पल जैसी एंडिंग है उसे खरीदना चाहिए। महिलाओं के लिए भी मार्केट में कंडोम अवेलेबल है, वुमेन कंडोम भी आते हैं। महिला और पुरुष एक साथ कंडोम यूज न करें, इससे दोनों कंडोम फट सकते हैं और आपको आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडोम के पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से पढ़ लें ताकि आपको, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करने में आसानी हो। पैकेट पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। एक्सपायर हो चुके कंडोम को यूज ना करें, नहीं तो उससे आपका जो आप जिस उद्देश्य के लिए आप उस कंडोम को यूज करेंगे वो उद्देश्य आपका पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसे किसी गर्म जगह जैसे आग या धूप में, खड़ी कार में न रखें, गर्मी से कंडोम खराब हो जाता है। इसे सही तरह से डिस्पोज करने का तरीका आना चाहिए। पेपर में रैप कर डस्टबिन में डालें और फ्लश न करें, क्योंकि एक रबड़ है और डिस्पोज नहीं होता है, और किसी भी नदी नाले में जाकर ये एक तरह का बैरियर की तरह काम करेगा और वो उसको ब्लो कर सकता है। आई होप आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और मेरा उद्देश्य भी पूरा हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको जानना है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं। दुनिया में होने वाले 45% अबॉर्शन सेफ नहीं है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। अबॉर्शन का मतलब गर्भपात सुरक्षित नहीं है। कितना प्रतिशत? 45%। साल 2015 से 2019 के बीच पूरे विश्व में 12 करोड़ से भी ज्यादा अनचाही प्रेगनेंसी हुई है। कितनी? 12 करोड़। 25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन ये सेफ और मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल नहीं करती है। 47 देशों की 40% सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं उनको कहा जाता है, ठीक है, जो यौन संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है किसी भी तरह का निरोध इस्तेमाल नहीं करती है। दुनिया भर में करीब 1/4 महिलाएं चाहकर भी सेक्स के लिए मना नहीं कर पाती हैं। ये अक्सर गांव में देखा जाता है, और जो पढ़ी लिखी नहीं है और जो पूरी तरह से जागरूक नहीं है वो दुनिया भर में 1/4, यानी कि दुनिया की जो अभी जनसंख्या है वो 8 अरब है, और 1/4 मतलब कितनी हो गई, यानी कि 2 अरब महिलाएं, मतलब जैसे मान लो 4 अरब महिलाएं हैं, ठीक है, 8 अरब में से तो ठीक है, 1 अरब महिलाएं चाहकर भी सेक्स के लिए यानी कि यौन संबंध बनाने के लिए मना नहीं कर पाती हैं। जिन महिलाओं के साथ उनके पार्टनर ने मारपीट की है उन्होंने 53% कम कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल किए हैं, यानी कि जिन्होंने घरेलू हिंसा की है उन्होंने 53% तक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी निरोध इस्तेमाल किए हैं, कम किए हैं। ठीक है, स्टडीज में सामने आया है कि रेप से होने वाली प्रेगनेंसी का दर मर्जी से होने वाले सेक्स के बराबर ही है, तो ये काफी विचारणीय तथ्य है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अनसेफ अबॉर्शन यानी कि असुरक्षित गर्भपात की वजह से विश्व में करीब 70 लाख महिलाओं को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इससे 5 से 13% माओं की मौत हो जाती है, तो ये भी आंकड़ा काफी बड़ा है। तो इन सारी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है, वो अपने जीवन को इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बचाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि सेक्स यानी कि यौन संबंध जीवन का एक हिस्सा है। इसको आज भी लोग कई जगह डेबू विषय मानते हैं, यानी कि बात नहीं करने का एक विषय मानते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर एक एजुकेटेड पीपल, ठीक है, तो खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। आई होप आपको ये जो तथ्य हैं चीजें हैं और ठीक है जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। तो ये थे आज के वैलेंटाइन डे स्पेशल तथ्य। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।